बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, कैसे हैं आप लोग सब? मैं फिर से आ गई आप लोगों को तंग करने के लिए। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। सब लोग ऐसे देख के चले जाते हैं, आखिर मैंने गुनाह क्या किया है जो सब लोग मुझे सज़ा दे रहे हैं। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जनाब, आप लोग देख सकते हैं कि लारा के किटन्स जो है वो माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, वैसे इनकी शरारतें होती जा रही हैं। और आप लोगों को मुझे किटन की अपडेट भी देनी थी, तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं, आपको किटन की अपडेट देते हैं कि जो है जिसकी एक आँख ख़राब है उसकी अब कंडीशन कैसी है, क्या है, डॉक्टर ने क्या बताया है। तो ये माशाल्लाह से सुबह का टाइम है और बच्चे, मैं इनको बाहर कर देती हूँ कारपेट पे, तो जो है हल्की हल्की सी क्रॉलिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, आहिस्ता आहिस्ता चलना स्टार्ट हो गए हैं। अब माशाल्लाह से अब जो है फिरते फिरते इधर से उधर, अब इनको आहिस्ता आहिस्ता हम लीटर ट्रेनिंग कर रहे हैं इनकी, क्योंकि इनकी लेटर ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को लेटर ट्रेनिंग की वीडियो चाहिए और किस तरीके से लेटर ट्रेन करते हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना के जल्द से जल्द बताऊंगी कि किटन्स को लेटर ट्रेन कैसे किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप स्नो और फियोना माशाल्लाह माशाल्लाह से दिन भर दिन क्यूट होती जा रही हैं ये दोनों के दोनों। ये आप स्नो को देख सकते हैं, स्नो की एक आँख ख़राब है, तो डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने कहा था कि जब ये 2 महीने की हो जाएगी तो उसके बाद इसकी आँख का ऑपरेट होगा, जिससे इसकी आई बॉल निकाल कर इसकी आई को बंद कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि स्नो बहुत छोटी सी है अभी भी, हालांकि ये सब अभी 1 मंथ के हो गए, लेकिन जैसे ग्रोथ वो तीनों बच्चे कर रहे हैं ना, ऐसे स्नो नहीं कर रही। स्नो बहुत छोटी सी है, स्नो बहुत कम जो है भी खाना खाती है, वो तीनों तो फिर भी खा लेते हैं खुद ही, लेकिन स्नो नहीं खा सकती। स्नो जो है ज़्यादा से ज़्यादा मदर फीड पर ही है अभी, और स्नो ग्रोथ बहुत हल्के हल्के बहुत आहिस्ता आहिस्ता कर रही है, बहुत छोटी सी है स्नो। तो बस मुझे स्नो की तरफ से बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। और जो है आप लोग बताएं, आप लोग किस किस की बिल्ली ने बच्चे दे दिए, किस की बिल्ली के बच्चे बड़े हो गए हैं, और आप लोगों ने क्या क्या नाम रखा है। ये जो मफिन है ना, ये बस ये कहता है कि इसके पास जो भी आता है ना, ये उसके पीछे पीछे भागता है। मफिन हम लोगों से बहुत अटैच हो गया, ये तीनों फिर भी इतने नहीं हुए, मगर मफिन बहुत हो गया। मफिन जो है जल्दी जल्दी भागता हुआ आता है हमारे पास। अभी तो ये क्रॉलिंग करने स्टार्ट हुए, लेकिन आगे की वीडियो में इन्होंने चलना भी स्टार्ट कर दिया है अब, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह से अब ठीक ठाक चलते हैं।
और खेलते भी हैं, और अब तो ये सेल्फ फीड पर भी आ गए हैं, लेकिन मैं फिर भी इनको मदर फीड से दूर नहीं कर रही। मदर फीड प्रॉपरली इनको 2 मंथ्स तक देना चाहिए और इनकी डाइट भी अच्छी रखनी चाहिए। मैं इनको सेरेलैक टाइप का बनाकर देती हूँ, चिकन चावल और आलू का, कभी चिकन और दलिया। अगर आप लोगों को उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं वो भी आप लोगों से जल्द शेयर कर दूँगी। और जनाब आप लोग बताएं सबके घरों में क्या चल रहा है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि कैट के ना प्रेगनेंसी में ब्लड आता है, उनकी कैट के आ रहा था, तो उसके इसमें परेशानी की ज़रूरत बात नहीं है। कैट के अगर ब्लड आ रहा है तो उसकी डिवॉर्मिंग की वजह से आ रहा है, उसकी डिवॉर्मिंग नहीं होती, काफ़ी टाइम हो जाता है, और प्रेगनेंसी में डिवॉर्मिंग करवा नहीं सकते, इवन के डिलीवरी के बाद भी डिवॉर्मिंग फ़ौरन नहीं करवा सकते क्योंकि बच्चे फीड कर रहे होते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं। मेरी भी लारा के एक टाइम पर निकलना शुरू हो गया था, इस दफ़ा नहीं, इससे पिछली दफ़ा जब लारा प्रेग्नेंट हुई थी तो उस टाइम लारा के भी ब्लड आ रहा था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। हाँ अगर ज़्यादा आए तो आप वेट को दिखा दें, क्योंकि अल्लाह ना करे कुछ हो, वायरस भी हो सकता है, तो इसलिए दिखाना ज़रूरी है। और जनाब आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं आने वाली वीडियो कौन सी बनाऊं और कौन सी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए कैट के मुतालिक, तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो अपडेट दे दूंगी। मेरी वीडियोस को लाइक किया करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप लोग तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।